हाँ जी, तो हजरतगंज जा रहे हैं, हजरतगंज पहुंच चुके हैं। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि हजरतगंज भाई ऐसा भागे ना, आज ऐसा भागे हैं भाई, हालत ख़राब हो गई। और इस तरीके से कुछ लेट हो गया था तो बहुत ज़्यादा भागना पड़ गया। फाइनली पहुंच गए आलमबाग नहरिया, और यहां से मिलेगी अपनी बस गुड़गांव के लिए। जा रहा हूं गुड़गांव के लिए अपने ऑफिस को दोबारा ज्वाइन करने, लगभग पूरे एक साल के बाद। देखते हैं कैसा सफ़र रहता है, कैसी ज़िंदगी रहती है, क्योंकि एक साल कोरोना की सेकेंड वेव आए हुए को होने को है, और तब से बस घर पर ज़िंदगी चल रही है। सो घर से बाहर निकलना एक्सपीरियंस काफ़ी अलग है, देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो वापस से सफ़र शुरू हो गया है, गुड़गांव जाने की तैयारी हो चुकी है। आलमबाग श्रृंगार नगर पहुँच गया है, नहरिया से बस मिलेगी और सीधे गुड़गांव जाएंगे। गुड़गांव के लिए बस करी है, गुड़गांव एक्सपो चौक से फिर बाइक, यहाँ देखते हैं कैसा रहता है। प्लान तो अभी यही है कि देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जाके कुछ दिन कि कैसा माहौल है, लोग ऑफिस जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कि नहीं जा रहे हैं, है ना। तो फिलहाल पहले GPS ऑन कर लेते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आलमबाग नहरिया पे खड़े हुए हैं, बस का इंतजार हो रहा है, काफ़ी लेट हो गया, ऑलरेडी एक घंटे लेट हो चुकी है बस। तो डोंट नो, वैसे ये रेड बस की बस होती तो अच्छी है, डोंट नो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा इसका। एंड दिस वॉज रियली रियली नाइस एक्सपीरियंस। इतनी लग्जरी बस की तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं करी थी यार, रियली वर्थ इट है 1500 रुपये लगाना। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी लग्जरी होटल के छोटे से केबिन में बैठा हूँ, मज़ा आ गया सच में। एंड फाइनली गुड़गांव पहुँच गए सुबह का वक्त 7 बजे, बहुत अच्छे टाइम पे उतार दी। एंड रियली दिस वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। चलते हैं दोस्त के यहाँ, अभी कैब बुक करने के बाद दोस्त के यहाँ पे जा रहे हैं, और वहाँ से फिर सीधे ऑफिस के लिए निकला जाएगा, और वापस से उन्हीं तंग गलियों में, उन्हीं गलियों में, उन्हीं लग्जरी लाइफ में, उन्हीं ताम झाम चगा चौंध में वापस से ज़िंदगी का सफ़र शुरू होने वाला है। तो फाइनली इतने दिन घर पे रहने के बाद अब वापस ऑफिस कैंपस आ चुके हैं। ये टावर सी, पहले अपना ऑफिस ये था, इस कैंपस इस वाले टावर पे बैठते थे, अभी चेंज किया है, टावर बी है, आगे जा रहे हैं वो वाला। तो ज़िंदगी ऐसे ही बदलती रहती है दोस्त, लखनऊ, लखनऊ से गुड़गांव, गुड़गांव से लखनऊ, ये सब चल रहे हैं, लाइफ चेंजेस आए हुए हैं। अब देखते हैं ज़िंदगी यहाँ से कैसे जाती है, अगर टाइम मिला तो थोड़ा टूर वूर कराएंगे, दिखा देंगे। काफ़ी बड़ा कैंपस है और काफ़ी बेहतरीन सा बना है, सोरी मार्केट है, फूड कोर्ट है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। एंड लेट्स सी, टावर भी पहुँच गए। अच्छी बात ये है कि काफ़ी सुंदर सा है ये, चलो एंटर मारते हैं, ये देखो भाई। तो जी 7th फ्लोर पर जा रहे हैं, बड़ी सारी यादें जुड़ी हैं यार 7th फ्लोर के साथ में। सैमसंग में 2 साल 7th फ्लोर पर बैठे, फिर उसके बाद LPD ऑफिस, 2 हजार सेंटर, सर्कल ऑफ लाइफ है यार, चल रहा है। अब ऑफिस आ तो गए हैं, बहुत कम लोग आए हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। सोची लो जी, हो गया आज का, लो जी ऑफिस पूरा हो गया आज का, दिन अच्छा था, ये रहा ऑफिस टावर भी। शाम का मौसम कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, बड़े दिनों बाद आना हुआ तो अच्छा लगा, देखते हैं अभी कैसा चलता है। कोविड वगैरह तो कुछ केसेस नहीं दिख रहे इतने ज़्यादा, बट ये है कि मज़ा आया काम करके। मास्क के बिना एंट्री नहीं है क्या? वाह 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 वाह, कतई रही सी चल रही है ऐसे ही यार। ऐसे ही यार, क्या करे, जब लौंडे कतई सिंगल होते हैं ना तो यही होता है उनका। सही बता रहा हूँ, नहीं पका हुआ माल मिल जाए।
और ऑफिस ख़त्म करने के बाद कुछ मस्ती भरे पल दोस्तों के साथ अपने फेवरेट बीकानेर वाला और ये पीछे मनोज भाई अपने बड़े भाई अपने दोस्त के साथ हम आ गए वहाँ पर बीकानेर वाला अपना फेवरेट डिश ट्राई करने के लिए पूरे एक साल के बाद से निकलता दे दो मेरे लास्ट में लेते यार घूम के ले रहे हैं खाना खा लो यार रुक जाओ हाँ सही कह रहे हो ना सही कह रहे हो रुक जाओ हाँ हाँ ये बड़ा कर देते हाँ भाई अभी रुक जाओ फिर रहेंगे ना ऑर्डर तो दे दिया यानी कि अभी बचा के रखोगे ना खत्म तो नहीं हो जाएगा तो कोई और रहेगा कोई नहीं रहेगा खुद निकाल लेंगे कौन देगा यार गुलाब जामुन कौन देगा अच्छा अच्छा हाँ ऑर्डर तुम्हारे पास है भाई किसी और को मत देना पीजी वगैरह चेक कर लिया है देख रहे हैं पीजी जरूर पसंद आए थे अभी आए हैं डिनर करने के लिए डिनर में बीकानेर वाले का मुझे ये है बीकानेर का ये मंगाया छोले भटूरे ये है रात ये आगे कचौड़ी अभी एक आइटम हो रहा है तो मैं और मनोज जी जब भी इधर आते हैं ना तो कुछ ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आइटम ट्राई करने की कोशिश करते हैं मज़ेदार है और ऐसे ही मज़ेदार डिनर के साथ हम लोग की शाम भी ख़त्म हुई खाने में इतना मशगूल हो गए कि बाद में फिर रिकॉर्डिंग करने का मन ही नहीं किया अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करके प्यार ज़रूर बनाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसे ही कुछ खट्टे मीठे पल ज़रूर शेयर करते रहेंगे आने वाले टाइम में थैंक यू सो मच